जयपुर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज के प्रति की गई टिप्पणी के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान के बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर उनका पुतला फूंका और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के नेताओं से माफी की मांग की है। अंकित गुर्जर चेची ने कहा, राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक बताया और हिंदू समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से हिंदुओं के खिलाफ दिए गए इस बयान को वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पुतले को आग लगाकर विरोध जताया है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हिंदू समाज की भावना का सम्मान करने की अपील की है। इस विरोध प्रदर्शन में जयपुर शहर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुरवंशी, विक्रम चौधरी और कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल नजर आए। राहुल गांधी जी का पुतला दहन करने का काम किया गया है और हम युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मांग करते हैं कि राहुल गांधी जी सार्वजनिक मंच के ऊपर जाकर के पूरे हिंदू धर्म से माफी मांगे। और आपने पहले भी देखा होगा कि हमेशा कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती आई है और आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन किया और मांग करते हैं कि हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, आज आप देखेंगे पुलिस ने हमको रोकने का पूरा प्रयास किया और हम पुलिस के जो पुलिस का निर्णय था वो